बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय, 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 छुट्टी गवर्नमेंट हाय हाय, छुट्टी गवर्नमेंट हाय हाय, बिजली डिपार्टमेंट हाय हाय। ये पीसफुल प्रदर्शन बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ है, क्योंकि हमें लोगों को जब देखते हैं लोगों की हालत क्या है, बिजली डिपार्टमेंट की जेब दुर्दशा लोगों की कर रही है, कल लोगों के बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, क्योंकि अगर बिजली होगी तो इन्वर्टर बैटरियां चार्ज होगी, इन्वर्टर भी चलेगा बिल्कुल 24 घंटे में। हम बिल्कुल साफ कह सकते हैं 24 घंटे में 4 घंटे बिजली नहीं आती। जिस देश में ये लोग इतना एडवांस हो चुका हमारा देश, लेकिन जो लोग गांव के लोग हैं ये अभी भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, क्योंकि हमारी जो डिमांडे हैं खासकर बिजली एक छोट बड़ी कोई बात नहीं है, आश्वासन दिए जाते हैं 1 महीने के अंदर पूरी कर देंगे, 15 दिन के अंदर पूरी कर देंगे, लेकिन आज तक जितने आश्वासन दिए इन्होंने सब झूठे निकले हैं। और अब हम इतना तंग आ चुके हैं, जब तंग आती है तभी जंग आती है, लोग रोड्स पे आएंगे। आज ये छोटा मोटा एक धरना हमारा सिर्फ गवर्नमेंट को चेतावनी देने के लिए है, अगर हफ्ते के अंदर अंदर बिजली की समस्या हल नहीं हुई, हम इसी जगह पे इतना बड़ा जोरदार प्रदर्शन करेंगे कि जे इनको एक्शन तय करो, एक्शन को छोड़ो चीफ इंजीनियर और जो बिजली का कमिश्नर है उसको यहाँ पे आके बात करनी होगी। मैं जो आपको सबको कह रहा हूँ बिल्कुल अगले बार तैयारी करके आना, 1 हफ्ते का टाइम है, आज शुक्रवार है, अगले शुक्रवार मैं टाइम भी अनाउंस कर देता हूँ, आज अगले शुक्रवार 11 बजे आपने अपने अपने गाँव से अपने मैं कहूँगा लेडीज को भी बाहर निकालो, सभी आगे को प्रॉब्लम, लेडीज को भी ज्यादा है, बच्चों को प्रॉब्लम है, अब लेडीज भी आए बच्चे आए बुजुर्गों को घर रहने तो कोई बात नहीं, वो गर्मी से बैठे रहेंगे घर में कोई बात नहीं, लेकिन अगले शुक्रवार फ्राइडे को 11 बजे यहाँ पे धरना दिया जाएगा अगर बिजली कंडीशन ठीक ना हुई। पता नहीं सरकारें कहाँ सोई है, मुझे ये समझ नहीं लगती, जो हमारे 12 साल जहाँ बीजेपी के MLA रहे हैं वो क्या करते रहे हैं, सिर्फ अपने जेबे भरते रहे हैं, मुझे ये समझ लगती है उन्हें क्या किया लोगों के लिए। बारह साल हमारे MLA रहे हैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी के आरएस पर छत्तीसगढ़ में, वो क्या करते रहे मैं पूछना चाहता हूँ, 12 साल वो हल्का मंडा बताते रहे अपनी जबे बढ़ते रहे, हम क्या चेतावनी देना चाहते हैं कि इस नालायक सरकार ने हमें इतना उल्लू बनाया लोगों को, अब लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गया, बच्चे हमारे अनपढ़ रहे हैं, बुजुर्ग मार रहे हैं बीमारियों से, हम रात को सो नहीं सकते, तो कहाँ जाए लोग, आज तक हम सड़कों भी आ सकते, यही हमारा एक राइट है, हम एडमिशन से पानी देते हैं कि इसको जल्दी सुधारो, नहीं सुधारोगे अगले शुक्रवार से यहाँ कंटिन्यू धरना लगेगा, लंगर भी यहाँ चलेगा, सब बहन भाई यहाँ इकट्ठे होकर आएंगे, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप 1 हफ्ते में ठीक कर लो तो आपका भी भला हमारा भी भला। ले लो जिथे दो लगे उसी एक्टिवेट करो, सीनियर अफसर।